सुजानगढ़ नगर परिषद के तकनीकी अधिकारियों की बड़ी खामी सामने आई है, जो साफ साफ भ्रष्टाचार करने के प्रयासों की ओर इशारा करती है। जो विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद निविदा आमंत्रित करने, जी शेड्यूल जारी करने का गंभीर मामला सामने आया। इस संबंध में भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर ने भारत माता चौक स्थित एक परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर, स्वायत्त शासन विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की जाएगी। गुर्जर ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा 3 अगस्त को निविदा जारी की गई थी, जिसमें कुल 26 विकास कार्य करने प्रस्तावित थे तथा निविदाएं 16 अगस्त को खुलनी थी। नरेंद्र ने बताया कि एक और नगर परिषद विकास कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करती है, वहीं दूसरी ओर निविदा में प्रस्तावित करीब 15-16 कार्य मौके पर पहले से ही पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से 8 कार्य पहले ही पूर्ण होने के फोटोग्राफ सहित प्रमाण गुर्जर द्वारा दिखाए गए, जबकि 17 नंबर पर निविदा में बताए गए कार्य को 21 नंबर पर फिर से रिपीट किया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ही कार्य के लिए अलग अलग खर्च बताए गए हैं। गुर्जर ने करीब 8 विकास कार्यों के मौके पर पूर्ण होने के गूगल मैप के माध्यम से लिए गए 17 अगस्त के चित्र दिनांक सहित दिखाए और कहा कि भ्रष्टाचार नगर परिषद में करने के प्रयास किए गए हैं और क्रमांक संख्या 11 पर अंकित वार्ड नंबर 59 में महेंद्र नाई के नोरे के पास सीसी रोड निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 1.56 लाख रुपये प्रस्तावित है, जबकि पूरे वार्ड में इस नाम का न तो कोई आदमी हो, ना ही इस नाम से किसी व्यक्ति का वार्ड में नोहरा है। पत्रकार वार्ता में गुर्जर ने बताया कि भंवरलाल पांडर के घर से मोहनलाल के घर तक नाली निर्माण, कैलाश चीनिया के घर से मोहन प्रजापत की दुकान तक नाली निर्माण सहित अनेक विकास कार्य निविदा में दिखाए गए हैं, जो कि पूर्व में पूर्ण हो चुके हैं और नगर परिषद प्रशासन द्वारा अब उनकी निविदाएं आमंत्रित किए जाना खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। आरोप लगाते हुए गुर्जर ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पूर्व में हो चुके विकास कार्यों के लिए पहले तो निविदा जारी की गई, फिर उसको निरस्त करने का काम किया गया। सोचने वाली बात यह है कि नगर परिषद की जमीन पर कोई सड़क बन जाती है तो नगर परिषद प्रशासन को पता न चले ये कैसे संभव है, और अगर नगर परिषद प्रशासन को पता चल गया तो फिर काम पूरे होने के बाद निविदा कैसे जारी हो सकती है। दूसरी ओर इस मामले में नगर परिषद की ओर से पक्ष रखते हुए आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि निविदाएं आमंत्रित की गई थी, लेकिन संवेदकों द्वारा शर्तों के अनुसार दस्तावेज संलग्न नहीं करने के कारण निविदाएं निरस्त कर दी गई थी। विकास कार्यों के पूर्ण होने को लेकर सवाल करने पर आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि मेरे आने से पहले अधिकांश पत्रावलियां शुरू की गई थी जो आगे बढ़ी हैं और अब जाकर निविदा तक पहुंची है। वहीं आयुक्त इस सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाए कि आपने सड़क नहीं बनाई तो किसने बनाई। आयुक्त ने कहा कि मुझे पता नहीं कि सड़क किसने बनाई। दूसरी ओर आयुक्त ने बताया कि टेंडर निरस्त होने के बाद इन कार्यों को लेकर हमारे पास दोबारा पीछे डिमांड नहीं आई है। आप भी देखिए दोनों पक्ष किस किस प्रकार से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और निर्णय जरूर कीजिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा दिनांक 3/8/2022 को एक निविदा क्रमांक 52/19 निकाली गई थी। उस निविदा में 26 नाली सड़क व अन्य प्रकार के कार्य थे, जिनकी निविदा की टेंडर कॉपियां इन्होंने 16 तारीख को ठेकेदारों से मांगी थी, और 16 तारीख को जब टेंडर कॉपियां मांगी और इस पूरे मामले का हमें पता चला, मैंने जब मुझे यह मालूम चला तो मैंने इनकी कॉपियां निकलवाई और इस निविदा के अंदर जब लगभग 26 काम है, उनमें से लगभग 16 काम ऑलरेडी हुए हुए थे, जिनमें से उदाहरण तौर पर आपके बताता हूँ मैं, एक निविदा नंबर 17 और 21 पर एक काम था, दूलिया स्कूल से कुछ था, उसमें एक ही निविदा, एक ही सड़क 17 और 21 नंबर पर सेम टू सेम अंकित थी, जिसमें एक में तो अनुमानित लागत 3 लाख कुछ थी और एक में 2,92,000 थी। तो जब मैं उस लोकेशन पर पहुंचा तो वो सड़क ऑलरेडी बनी हुई थी, और ऐसी फिर मैंने 8 से 9 लोकेशनों पर मैं गया और वहां पर जाकर मैंने देखा कि जो सड़क या नाली निर्माण है वो ऑलरेडी किया हुआ था, और नगर परिषद के आयुक्त, सभापति, एन जैन सब ने मिलकर इसमें बड़ा भ्रष्टाचार करने का खेल रचा। और जब हमें इस बात की जानकारी हुई और हमने उनसे मौके जाकर पूछा कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने आनन फानन में अपने आप बचने के लिए इस टेंडर को जानकारी के अनुसार निरस्त कर दिया। हालांकि ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है निरस्त का, इन ये लोग अनऑफिशियल बता रहे हैं कि हमने निरस्त कर दिया। तो अगर निरस्त भी कर दिया तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने निरस्त करने का नियम और फॉलो किए थे क्या? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार निरस्त करने के लिए इनको या तो अखबार में निविदा डालनी पड़ती है या अपने नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर
अंकित करना पड़ता है, जो कि अखबार में मैंने कहीं पढ़ा नहीं। और नोटिस बोर्ड में रोज नगर परिषद कार्यालय जाकर देख रहा हूँ, नोटिस बोर्ड में भी इन्होंने कुछ नहीं लगाया। मेरी मांग ये है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये तो पहला केस है, और भी बहुत सी चीज़ें इनकी मेरे पास हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें इकट्ठे करके और भी खुलासे करूँगा, और अगर ये दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, DLB जयपुर, जिला कलेक्टर, आंदोलन सब कुछ करूंगा, लेकिन इन लोगों को सजा दिलवा कर रहूंगा। इनकी ये जो मनमानी है ये नहीं चलने दूंगा। ये तो एक निवेदन है जिसको हमने सार्वजनिक कर दिया गया है। पता नहीं पिछले 1.5 सालों में इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया होगा, कितना सुजानगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई भ्रष्टाचार में डुबोई होगी। तो हम ये मांग करते हैं कि इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। 3 अगस्त को जो NIT जारी की गई थी वो क्योंकि जब ये खोली गई थी तब जो जितने भी संवेदक आए थे उन संवेदकों द्वारा जो निविदा शर्तें थी उनकी पूर्ति न करने के कारण इसको निविदा को निरस्त करना पड़ा था। सर, एक कोई एक्टिविस्ट उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो 26 काम इसमें प्रस्तावित किए गए थे उनमें से करीब 15-16 कार्य ऑलरेडी हो चुके थे, इस संबंध में आपका क्या प्रतिक्रिया है? आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये पत्रावलियां तैयार की गई थी उस टाइम पे इसमें से कुछ 8-9 पत्रावलियां तो पूर्व जो आयुक्त रहे हैं उनके टाइम पे ही संधारित कर दी गई थी। उसके बाद में कुछ पत्रावलियां जो संबंधित पार्षद की मांग और सभापति के द्वारा जब निर्देश दिए गए थे उनके आधार पर इनको संचालित की गई थी, और उसी के आधार पर इनके NIT लगाई गई थी। NIT लगाने के पश्चात में चूँकि इसमें संवेदकों द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई थी इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। क्या फिर से नगर परिषद ने इनका वेरिफिकेशन करवाया है कि मौके पर इन कार्य मौजूद है या नहीं? अभी हमारे पास में दोबारा इनको बनाने के लिए इस तरीके की कोई भी डिमांड नहीं आई। अगर दोबारा टेंडर निकालेंगे तो उससे पूर्व में हम इसके दोबारा वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम वेरिफिकेशन करवाएंगे। सुजानगढ़ पंचायत समिति के पास स्थित FCI गोदाम के पास कबाड़ के खुले गोदाम में आग लग जाने का मामला सामने आया है। फायर ब्रिगेड के चालक अमजद खान कायमखानी ने बताया कि रविवार की रात को फायर प्रभारी रामनिवास काला की सूचना पर भंवर सिंह फौजी, साजिद खान, प्रमोद विश्नोई, संजय बारवासा, गणेश आदि दमकल लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाए। गए ये रही कि आग FCI गोदाम की ओर नहीं फैली, वरना काफी बड़ा हादसा भी हो सकता था। रात को करीब 8:30 बजे हमारे इंचार्ज रामनिवास काला के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि FCI गोदाम के पास कबाड़ी के गोदाम में आग लगी है। फिर हम यहाँ से, मैं ड्राइवर अमजद खान कायम खानी, हमारे ड्राइवर साहब मोहन सिंह जी फौजी साहब और फायरमैन प्रमोद बिश्नोई, संजय जी बारवासा और गणेश जी और साजिद खान, हम वहाँ पहुँचे और कबाड़ी के गोदाम में जो कार्टून स्टॉक होता है उसमें गोदाम में आग लगी हुई थी। फिर करीब लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद हमने आग पर काबू पाया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बडावर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल कृष्ण मेघवाल, लादूराम जाट, रतन लाल, भगवाना राम, काड़ूराम, पूनमचंद मेघवाल, सत्यनारायण जाट, गोविंद पोजी आदि ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था प्रधान सुभाष शर्मा ने आयोजित की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। कार्यक्रम में उद्घाटन मैच में कबड्डी का मुकाबला जींद्रा सर व बडावर गांव की टीमों के मध्य हुआ, जिसमें गांव बडावर की टीम विजेता रही। संचालन उमेश चंद्र वदारा ने किया। इस अवसर पर मेघराज, राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र सहित अनेक शिक्षक व ग्रामीणजन मौजूद रहे। हम पंचायत बडावर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद का आज उद्घाटन हुआ था, जिसमें आज ग्राम जिंद्रासर व ग्राम बडाबर के मध्य कबड्डी का उद्घाटन मैच था। उस मैच में जिंद्रासर की टीम है वो उप विजेता रही और बडाबर ग्राम की टीम है वो विजेता रही। आज के मैच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, उप सरपंच प्रतिनिधि श्री गोपाल कृष्ण मेघवाल, पूर्व उप सरपंच व राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बडावर के संस्था प्रधान सुभाष जी शर्मा व सभी स्टाफ व ग्राम पंचायत बडावर के मानुभव ग्रामीण व्यक्ति व छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज का मैच है वो
बहुत ही बढ़िया व शानदार रहा।